नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दिल्ली पुलिस का बड़ा दावा, लॉरेंस बिश्नोई है मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड। जी हां, पंजाब में गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल जांच में दिल्ली पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक शूटर को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी पुणे से की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये कार्यवाही महाराष्ट्र पुलिस की मदद से की है। बता दें कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई को उनके मूसा गांव के करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर हुई थी। इसके बाद से इसमें पुलिस जांच में लगी है। इस हादसे में सिंगर मूसेवाला के 2 साथी और जख्मी हुए थे। इस हत्या की जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गोल्डी बराड़ ने ली थी। उसने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके लिखा था कि इस हत्या की जिम्मेदारी वो लेता है। दिल्ली पुलिस ने इस शूटर की गिरफ्तारी के बाद प्रेस वार्ता में बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि ये हत्या पूरी प्लानिंग के साथ हुई है। कई राज्यों में पुलिस हत्याकांड की जांच के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इस हत्या के लिए पूरी प्लानिंग कई महीनों से की गई है। वहीं शूटर के बारे में खुलासा करते हुए कहा गया कि ये शूटर का करीबी है सिद्धेश हीरामल उर्फ महाकाल। जानकारी के लिए बता दें कि मूसेवाला की हत्या के पहले ही पंजाब सरकार ने कुछ लोगों की सुरक्षा में कमी की थी। इसके बाद ही ये हत्या हुई, जिसके बाद से विपक्षियों के निशाने पर पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार आ गई। पंजाब और कांग्रेस ने जहां इसे राजनीति से प्रेरित बताया, वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार के मुखिया भगवंत मान ने इस मामले में सख्त कार्यवाही का भरोसा दिया। इसके बाद मूसेवाला के पिता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे थे। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।